इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 6। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम। मैं बात शुरू करने लगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। अच्छा, गिनती की बातें हैं इस चैप्टर में। सबसे पहली बात है, प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? लैंड और बिल्डिंग। बस प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? लैंड और बिल्डिंग। रेंट से क्या मुराद है? लैंड और बिल्डिंग को किराए पर देने से जो पैसे लेते हैं। क्या सिर्फ किराए पर देने से? नहीं भाई जान, आपने ऑक्यूपाई करने के लिए जगह दी, यूज करने के लिए जगह दी, या राइट टू यूज दे रही है, यानी मैंने उसको घर की चाबी दे दिया, वो घर की ताला खोल के अंदर जाए या ना जाए, मैं उससे किराया लेने का मजाज होगा। मैंने जो उसे राइट टू ऑक्यूपाई दे दिया, उसके एवज जो पैसे लूंगा वो भी रेंट में आएगा। तो रेंट से मुराद है लैंड का किराया, बिल्डिंग का किराया, या चाबी दे दी जब मैंने राइट टू यूज या ऑक्यूपाई दे दी। सर, सैलरी रिसीव्ड बेस पर टैक्स होती है, प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है। कोई ऐसा रेंट भी है जिस पर टैक्स नहीं लगता? जी भाईजान, एग्रीकल्चर लैंड ऐसी लैंड है जिसका रेंट टैक्सेबल, जो जमीन जरिए जमीन ठेके पे दी होती है, उसका जो ठेका के पैसे मिलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। और जो एग्जेम्प्ट होता है वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉल नहीं करेगा। रेंट से क्या मुराद है? आपने अपनी लैंड या बिल्डिंग किसी को दी यूज के लिए, ऑक्यूपाई के लिए, या राइट टू यूज और ऑक्यूपाई के लिए, और उसके एवज पैसा लिया। जो पैसा आप ले रहे हैं, जो एवज आप ले रहे हैं, जो कंसिडरेशन आप ले रहे हैं, वो रेंट है। हाँ, इसमें एक दूसरी चीज भी शामिल है, वो है फॉरफिटेड डिपॉजिट। अब जरा बात एग्जाम्पल ध्यान से सुनना ताकि आप सारे पहलुओं को पिक कर सकें। सर, इस बिल्डिंग के साथ एक बिल्डिंग है और उसका मालिक मैं हूं। SBI वालों ने मुझे कहा कि ये वाली बिल्डिंग हमने खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, 10 करोड़ रुपए की खरीद लो। उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया बयाना लिया और तय ये पाया कि 1 साल बाद बाकी 9 करोड़ देंगे, और 1 साल बाद बाकी 9 करोड़ रुपया देंगे और ये जगह मुझसे ले लेंगे। साल गुजरा, उन्होंने कहा भाई हमारे पास पैसे अरेंज नहीं। ये जो 1 करोड़ रुपया था ये मैंने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। ये जब्त करने को कहते हैं फॉरफिट, डिपॉजिट कहते हैं बयाने को। किस एग्रीमेंट का बयाना जब्त किया है? किराए का एग्रीमेंट नहीं था, सेल का एग्रीमेंट था। अब एक बात और समझे, ये पूरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किराएदार बन के नहीं सोचना। क्या बन के सोचना है? मालिक मकान बन के सोचना है, जिसमें आप किराया ले रहे हैं तो आपकी इनकम है। सर जी, मैंने 1 करोड़ रुपए का बयाना जब्त कर लिया है। ये जो 1 करोड़ रुपए का बयाना मैंने जब्त किया, ये मेरी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको उसने रेंट में शामिल किया, रेंट में, रेंट की डेफिनेशन में उसने शामिल किया। इसका मतलब ये कि अगर अब आप लोग सारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, पहले पढ़ा हुआ है तो मैं लिंक कर देता हूं। रेंट की डेफिनेशन में शामिल करने का मतलब पता क्या है? कि अगर कल को वो कोई एक्सपेंस कहे कि ये 20% ऑफ रेंट होगा, तो उसमें फिर ये फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल होगा। बात भी की है? Yes, sir. सर जी, अगर वो बाद में कहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना होगा, 1/5 या 20% ऑफ रेंट, तो उस रेंट से मुराद उसमें फिर फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल होगा। सर जी, आगे जाते हैं, दोबारा बताता हूं। यहां पर यह बात है, रेंट के अंदर क्या शामिल है? किराया या वो बयाना जो आपने जब्त किया। आगे चलते हैं सर। रेंट का, रेंट के बारे में वो क्या कहता है? एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, अंग्रेजी उसने लिखी है। अगर कोई बंदा फेयर मार्केट रेंट से कम पे अपनी जगह किराए पर देता है तो समझा जाएगा कि वो फेयर मार्केट रेंट वसूल कर रहा है।
हमने इसको क्या बताया कि एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल लेंगे, फेयर मार्केट रेंट ज्यादा है तो फेयर मार्केट रेंट लेंगे, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। हां, स्टैंडर्ड रूल है एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, ये वाला रूल लगना है। अलबत्ता अलबत्ता अगर सेल्फ हायरिंग का केस हो, अगर सेल्फ हायरिंग का केस हो तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होना। अब सेल्फ हायरिंग क्या है, मैं एसबीआई में नौकरी कर रहा हूं, एसबीआई ने मुझे कहा था सर ये सेशन 2024 आएगा तो हमारा आपसे वादा है हम आपको रिहाइश भी देंगे। मैंने कहा ठीक है। 1 जनवरी 2024 को मैं एसबीआई के पास आ गया और एसबीआई वालों को कहा जी आपने वादा किया था अब दे रिहाइश। उन्होंने कहा ठीक है। आप कहते मुझे उन्होंने कहा कि एसबीआई वालों ने कि भाई आप इसी इंस्टीट्यूशन के पास कहीं कोई पोर्शन किनाल का किराए के लिए देख लें और वो आप खरीद लें और वो आप किराए पर ले लें, हम उसका किराया दे देंगे। मैंने इनको कहा सर जी आपने जो कोई मकान किसी से किराए पर लेना है, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, आप मुझसे मेरा मकान किराए पर लेकर मुझे ही एज अकोमोडेशन दे दें। यार मेरी बात समझ आई है, मुझसे एसबीआई वालों ने मुझसे मेरा मकान किराए पर लिया और वो ही मुझे एज अकोमोडेशन दे दिया। सर जी मेरा पॉइंट पिक कर गए, इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग, इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग। यार काम बड़ा जरूरी, वो आपको चीज दिखानी बड़ी जरूरी हो गई है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यस आओ भाई, सेल्फ हायरिंग क्या है, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे मेरा मकान किराए पर लेकर मुझे ही एज अकोमोडेशन दे दिया। अब इस केस में मेरा एम्प्लॉयर मुझे अकोमोडेशन भी दे रहा है एम्प्लॉय की हैसियत से, ठीक है, मुझे अकोमोडेशन मिल रही है एम्प्लॉय की हैसियत से और वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। दूसरे नंबर पे मुझे रेंट मिल रहा है, मुझे रेंट मिल रहा है, मालिक किराएदार की अच्छे से मुझे क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। ये जो रेंट मिलेगा ये किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम रेंट। वो कहते हैं अगर सेल्फ हायरिंग का केस हो तो अकोमोडेशन वाले बेनिफिट पर इनकम फ्रॉम सैलरी का रूल लगा देंगे, फिर मार्केट रेंट 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल पड़ा हुआ है ना, और यहां पर हम लगाएंगे हायर और फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज हायर, यही पड़ा हुआ ना, फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल जो हायर होता है वो रेंट के तौर पे हम इनकम में शामिल करते हैं, तो यहां पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रूल लगेगा, यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी का रूल लगेगा। लेकिन एक मसला है, यहां पर जब सेल्फ हायरिंग है, जब मैं अपने एम्प्लॉयर को जगह किराए पर देकर खुद ही एज अकोमोडेशन उससे ले लिया और उसमें रह रहा हूं, तो ये सेल्फ हायरिंग है और इस केस में ये फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, सर फेयर मार्केट रेंट ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुका है। भाई फेयर मार्केट रेंट, फेयर मार्केट रेंट ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुका है, इस वजह से ये दोबारा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। सारी बात का निचोड़ बताऊं, सारी बात का निचोड़ ये है, सेल्फ हायरिंग के केस में जो एक्चुअल किराया मिलता है ना वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होता है। आम तौर पे क्या रूल है, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, है ना। सेल्फ हायरिंग के केस में क्या है, जो एक्चुअल किराया मिलेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। क्यों,
क्योंकि फेयर मार्केट रेंट तो ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी चार्ज हो चुका है। सजी बात पिक कर गए हैं। लो सर, दिस इज सेल्फ हायरिंग। इसको बंद करते हैं। अच्छा जी, ये वाली बात भी आपसे कर ली। हां, चार बातें और आपसे करने लगा हूं। चार चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में लगता है कि वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है, किराया, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता। बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग टुगेदर विद यूटिलिटीज एंड अमेनिटीज, सबलीज, किराए दा, किराए की जगह आगे किराए पे दे देना, चौथा ग्राउंड रेंट। ये चारों चीजें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आती, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। उसने यहां पर लिखा है कि लीज करें बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी और यूटिलिटी वेंटी। दो चीजें इसने लिखी हैं, दो वो अदर सोर्स में लिख रहा है, मैंने चारों बता दी, लेकिन इसको अदर सोर्स में जाके एक्सप्लेन करता हूं। इसके फौरी बाद अदर सोर्स ही कराना है। अच्छा, अब जरा आ जाओ अगली स्टोरी। अगली स्टोरी है जॉइंट ऑनर्स की। यार, जॉइंट ऑनर्स के केस में इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा और कितना लगेगा, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब है, अगर ज्वाइंट ऑनरशिप है तो देखेंगे शेयर एसर्टेनेबल है या शेयर एसर्टेनेबल नहीं। अगर शेयर एसर्टेनेबल है, यानी पता है, अगर शेयर एसर्टेनेबल है यानी पता है कि 40% और 60% मिल रहा है, तो फिर बड़ा आसान है। इनकम में से, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से खर्चा लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो इन दोनों में तकसीम हो जाएगी। बहस खत्म। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जितना आया उसमें से खर्चा लेस किया, जो अमाउंट बच गई वो इन दोनों में तकसीम हो जाएगी, यानी नेट रेंटल इनकम को ऑनर्स में, जॉइंट ऑनर्स में तकसीम हो जाएगी। हाँ, अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं था, यानी इसने बताया कि अगर ए का 40 था, बी का 60 था, 10 लाख रुपए किराया था, 2 लाख खर्चा था, 8 लाख था, 40% 3, 20 ए को मिल जाएगा और 60% 4, 80 जो है वो बी को मिल जाएगा। बात खत्म। अगली बात सुनो, जॉइंट ऑनर थे, शेयर एसर्टेनेबल नहीं था, शेयर एसर्टेनेबल, अब वो कहते हैं कि हम अलहदा अलहदा इसको एओपी की तरह, इनको पार्टनर्स की तरह ट्रीट करेंगे और एओपी वाला रूल लगाएंगे। जब मैंने आपको पहले चैप्टर 6 पढ़ाया था, उस वक्त एओपी नहीं पढ़ाया हुआ था, उस वक्त तो मैंने वहां पे बात रोक दी थी, बल्कि उस वक्त भी थोड़ा सा बताया था। आज बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। सर, एओपी में क्या होता है? इनकम, इनकम में से खर्चा लेस किया, जो अमाउंट आई वो टैक्स निकाला, टैक्स निकाला, बकिया तकसीम होती है। फॉर रेट परपजेज हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, पता है ना, लेकिन एक्चुअल में जो पार्टनर को मिलता है वो टैक्स कटने के बाद मिलता है। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि जनाब, अगर शेयर सर्टेनेबल नहीं था तो इसको, इस वेंचर को, इसको पार्टनरशिप कंसीडर करेंगे और टैक्स निकालने के बाद हिस्सा इन दोनों को दे देंगे। अब जाहिर बात है, टैक्स निकालने के बाद जो हिस्सा ए और बी को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ए और बी को अब जो हिस्सा मिला है ये टैक्सेबल नहीं होगा, चूंकि इस पर ऑलरेडी एओपी ने टैक्स लगा दिया होगा। सर, समझ आ रही है? लेकिन अगर शेयर सर्टेनेबल था तो भाई ये इन दोनों की इनकम में शामिल होगा। ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3.20 आएगा, बी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 4.80 आएगा, और फिर ए उस पर खुद टैक्स देगा और बी उस पर खुद टैक्स देगा, यानी ये ए और बी खुद जिम्मेदार होंगे टैक्स देने के लिए। इस केस में ए और बी को चूंकि शेयर सर्टेनेबल नहीं था तो एओपी पे टैक्स लगा दिया जाएगा, एओपी की तरह ट्रीट करेंगे, टैक्स लग जाएगा, बकाया रकम दी जाएगी। अब ए और बी इस पर टैक्स नहीं दे। लो सर, ज्वाइंट ओनरशिप वाली बात होगी। कौन कौन से खर्चे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करने हैं? सैलरी में से तो कोई खर्चा माइनस नहीं करना, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से खर्चा माइनस करना है। रिपेयर अलाउंस माइनस करना, कितना? 1/50, यानी 20%। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस खर्चे की बात की थी।
जब मैंने आपको कहा कि भाई वो कहता है अब पढ़ो 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट ऑफ बिल्डिंग, चार्जेबल रेंट। और जब रेंट की बात करोगे तो उसमें क्या आएगा, फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आएगा। शाबाश, रेंट की बात करो तो उसको सवाल है देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है कि रेंट जो है उसके अंदर किराया भी शामिल है, उसके अंदर क्या शामिल है दूसरी बात, उसके अंदर फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल है। फॉरफिटेड डिपॉजिट यानी वो बयाना जो मैंने जब्त कर लिया। अब अगर बिल्डिंग से रिलेटेड वो किराया या बयाना है तो वो उसका 20% एज रिपेयर इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। यहां पर एक चीज और बड़ी गौर तलब है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, ये जो बात हो रही है चार्जेबल रेंट ऑफ, अगर जमीन है अगर प्लॉट है तो उसका 20% माइनस नहीं करना, अगर लैंड है तो उसका 20% माइनस नहीं करना, अगर बिल्डिंग है तो उसका 20% माइनस होगा। एक्चुअल में खर्चा 10 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 0, उसने रिपेयर का लफज ही नहीं लिखा पूरे सवाल में, फिर भी माइनस करेंगे। यस, नहीं लिखा तो इसका मतलब है 0 है, हमने फिर भी माइनस करना है कितना, बिल्डिंग के रेंट का। खाली 20% ना कहीं, बिल्डिंग के रेंट का 20%। सर जी पॉइंट भी की है, फॉरफिटेड डिपॉजिट की आप बात। नहीं, उसने मुझे बयाना दिया 1 करोड़, कहता है मैंने बिल्डिंग परचेज नहीं करनी। मैं कहा चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अब आप जाओ। वो मुझे कहता है भाई 1 करोड़, मैं कहा वो गया, वो मैंने जब्त कर लिया, अब ये 1 करोड़ मुझे मिल गया, अब ये वाला 1 करोड़ मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा। फिर समझ आ रही, ये इन 1 करोड़ में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा और ये रेंट के अंदर शामिल होगा। अब एक मिनट, अब ये रेंट के अंदर शामिल होगा, अगर ये बिल्डिंग का, अब ये बिल्डिंग थी ना, अगर ये बिल्डिंग की बात करेंगे तो इस रेंट का 20% एज डिडक्शन अलाउ होगा, एज रिपेयर अलाउंस। तो उस 1 करोड़ में से 20 लाख रुपया माइनस भी करने की इजाजत होगी अगर वो बिल्डिंग हुई तो। क्लियर होगी बात जी? अब आप बताएं, सर वो टोटल रेंट निकाल के एक ही बार निकालते हैं उसमें से, ठीक है। हमारा मेन बंदा मैटर नहीं करता कि ए है या बी है या सी है, मैटर ये करता है लैंड है या बिल्डिंग है। बिल्डिंग है तो 20% लेस करना है, लैंड है तो लैंड का 20% नहीं लेना। ठीक हो गया सर जी भाई? अगर सिर्फ फॉरफिटेड अमाउंट थी और बिल्डिंग किराए पर नहीं चढ़ी तो कोई बात नहीं भाई, फॉरफिटेड अमाउंट भी तो रेंट ही है, रेंट का हिस्सा ही है ना, रेंट ऑफ बिल्डिंग का 20% लेके लेस कर देना। ठीक हो गया सर? पास पेपर में ये वाला सवाल आया हुआ जी भाई। कुछ भी नहीं होगा, नहीं माइनस होगा, इग्नोर कर देंगे। अगर लैंड है उसमें फॉरफिटेड डिपॉजिट है तो उसमें से रिपेयर में से कुछ माइनस होगा, नहीं होगा, लैंड की रिपेयर होती नहीं। हाँ इनकम तो है, खर्चा माइनस नहीं होगा उसमें से। इंश्योरेंस किसकी? ध्यान ना यार, ये चीजें ध्यान से देखने वाली हैं। इंश्योरेंस बिल्डिंग की है। हाँ जी, प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट, इनकम में से माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉपर्टी के लिए यूटिलाइज हुआ। अब यहां पर एक और मसला, मैंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया वो भी माइनस होना है, मैंने प्रॉपर्टी रेनोवेट करने के लिए लोन लिया वो भी माइनस होना है। प्रॉपर्टी के लिए मैंने कोई भी लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करने की इजाजत होगी। क्लियर होगी बात? हाँ, मैंने सूद से मैं परहेज करता हूं, मैंने सूद नहीं लेना था, मैंने एक बंदे के साथ 1 करोड़ रुपया उससे लोन लिया और उससे तय ये किया जितना किराया आएगा इसका 20% तुम्हारा। ठीक हो गया? अब जो किराया आया उसका 20% मैंने उसको देना है, वो जो किराए का 20% मैं उसको दे रहा हूं वो
एज डिडक्शन इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। ये लिखा हुआ शेयर ऑफ रेंटल इनकम। वो बंदा बड़ा सियाना था, कहता किराया क्या आना है, असल तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ही बढ़ती है। तो फिर मैंने उसके साथ तय किया, अच्छा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी उसका भी 20% तुम्हें दूंगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई 5 करोड़ से 6 करोड़, नेट कितनी बढ़ी 1 करोड़ पे, उसका 20% कितना हुआ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करने की इजाजत होगी। शेयर इन रेंटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर टूवर्ड्स एप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी और आपने तय किया हुआ था कि मैं तुम्हें उसका हिस्सा दूंगा, माइनस करने की इजाजत होगी। प्रॉपर्टी का किराया या आपने तय किया था मैं तुम्हें इसका हिस्सा दूंगा, माइनस करने की इजाजत होगी। सजी समझ आ रही है? ये कब होता है? जब आप हाउस बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या कैजुअल बैंक से ये वाला मामला तय करते हैं। वैल्यूएशन निकालेंगे ना, अगर ये तय किया तो करेंगे। लीगल चार्जेस, सर जी लीगल चार्जेस सादे नहीं, खास। कौन से? अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। सर जी पाकिस्तान में तो ये एक कौमी खेल है, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना। वो 5 साल, वो 3 साल किराए पर दिया, 3 साल बाद वो मालिक मकान आया, कहते किराया, कहते भाई आप कौन हो, हम तो इधर ही रह रहे हैं बचपन से, ये हमारी जगह ही है। ठीक हो गया। अब यहां पर उस बंदे ने वकील किया अपना कब्जा, अपना टाइटल, अपना हक वापस लेने के लिए, ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। पास पेपर में एक सवाल है, वो कहता है लीगल चार्जेस रेंटल एग्रीमेंट को लिखने के लिए जो किए गए, क्या ये माइनस होंगे? नो, ये माइनस क्यों? सिर्फ वो वाले लीगल चार्जेस जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए किए थे वो माइनस होंगे। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। कोई और खर्चा जिसका ताल्लुक किससे था? एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस से था, वो 4% से ज्यादा अगर ना हो तो माइनस करने की इजाजत है। एक्चुअल खर्चा देखेंगे और 4% ऑफ रेंट देखेंगे। अब बड़ी, ये बड़ी बारीक बात है, जब आप 20% निकाल रहे थे तो वो सिर्फ बिल्डिंग के रेंट का था, अब आप जो 4% निकाल रहे हैं ये सिर्फ रेंट है, यानी इसमें लैंड का रेंट भी आना है और बिल्डिंग का रेंट भी आना है। अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं है, लेकिन सवाल बस पॉइंट की बारीकी को समझें। जब आपने रिपेयर किया तो आपने 20% लिया रेंट का, किसके रेंट का? बिल्डिंग का। यहां जब आप 4% ले रहे होंगे तो ये कौन सा ले रहे होंगे? टोटल रेंट, बिल्डिंग और लैंड दोनों का मिला के, उसका 4% से ज्यादा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अगली बात सुनो, एक्चुअल जितना खर्चा भी हुआ 20% रिपेयर माइनस करने की इजाजत है, लेकिन यहां पर जब वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस तो वो कहता है 4% ये एक्चुअल विच एवर इज लोअर, 4% ये एक्चुअल विच एवर इज लोअर। तो ये बात भी देखिए, उसने नॉट टैक्स शीडिंग लिखा हुआ, 4% से ज्यादा नहीं हो सकता। इधर देखना ये क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, आपने एक्चुअल देखना ही नहीं है, 20% माइनस कर दो बिल्डिंग के रेंट का। यहां पर आपने एक्चुअल देखना है, अगर एक्चुअल कम होगा तो वो माइनस करेंगे, अगर एक्चुअल ज्यादा होगा और 4% ऑफ रेंट कम होगा तो वो माइनस करेंगे, विच एवर इज लोअर। सर समझ आ रही है? ये वाली बात। अगला पॉइंट, इररिकवरेबल। सर जी बैड डेट भी तो माइनस होता है, क्यों माइनस होता है? आपने पहले उसे इनकम में शामिल कर दिया होता है, अब वो बैड हो जाए तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये स्टोरी यहां पर भी है, अनपेड, आपने किराया कमाया वसूल नहीं किया था, क्या इनकम में शामिल कर देंगे? सर एक्रूअल बेस पे टैक्स होता है, इसका मतलब है कि जो कमाया है वो इनकम में शामिल हो जाएगा, जो जरूरी नहीं है वसूल किया हो, 8 माह का किराया वसूल किया लेकिन पूरे साल से जगह किराए पर थी, तो आपको पता है कितने माह का किराए पर टैक्स रहेगा? 12 माह के किराए पर। एक्रूअल और रिसीट में यही फर्क होता है ना, एक्रूअल का मतलब होता है कमाए कितने, रिसीट का मतलब होता है वसूल कितने किए। तो भैया जितने कमाए उसको इनकम में शामिल करके टैक्स कर देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, लेकिन सैलरी में जितने वसूल किए सिर्फ उसी पे ही टैक्स लगता है। तो यहां पर हमने बात कर दी, अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज
इररिकवरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब हुआ ये है, आपने किराया वसूल नहीं किया था लेकिन कमा लिया था, इनकम में शामिल कर दिया, बाद में वो बंदा भाग गया। अब जब वो बंदा भागा तो आपको सबसे ज्यादा दुख ये था कि ये मैंने इनकम में शामिल करके इस पे टैक्स भी दे दिया और किराया मुझे मिला नहीं, अब आप क्या करेंगे? वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप अगले पीरियड की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से वो किराया जो आपको वसूल नहीं हुआ था और आपने पहले इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स लगा दिया था, वो माइनस कर दें। पॉइंट पिक कर गए हो? लो सर, इररिकवरेबल अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज इररिकवरेबल, वो माइनस करने की इजाजत है अगर ये पांच शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, किराएदारी का माहिदा नेक नियति पर मबनी था। दूसरा, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, खाली कर दिया या इकदाम कर दिए गए हैं कि उससे प्रॉपर्टी खाली करवा दी जाए। तीसरा, वो किराएदार जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, वो किराएदार जो आपके पैसे किराया खा गया है, वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं होना चाहिए। चौथा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है या नतीजा निकाल दिया कि कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होना। पांचवा, ये अनपेड रेंट पिछले सालों में इनकम में शामिल था तो ही माइनस करने की इजाजत होगी, अगर इनकम में शामिल था तो ही माइनस करने की इजाजत होगी, वरना माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर, पिछले सालों में इनकम में शामिल था, इस साल माइनस कर दिया, अगले साल उसको हदायत होगी अल्लाह की, उसने आगे पैसा दे दिया, तो जब वापस मिल गया पैसा दोबारा इनकम में शामिल कर दें, जब कमाया था इनकम में शामिल किया, जब नहीं मिला था माइनस कर दिया, अगले साल फिर मिल गया दोबारा ऐड कर दें। यार मेरी बात समझ आ रही है? यही बात उसने लिखी है। सर जी, ये बात यहां पर भी है, बिजनेस में भी है, एक ही बार इकट्ठा बढ़ा रहा हूं कि भैया 2018 में अगर आपने खर्चा किया था, आपने एंट्री की थी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल, इनकम में से माइनस कर दिया था, ये डिडक्शन के तौर पे ला हो गया था। 2019 में आपने इसको पे नहीं किया, 20 में भी पे नहीं किया, 21 में भी पे नहीं किया, जिस साल खर्चा किया गया था वो साल खत्म होने के अगले 3 साल तक उसको पे नहीं किया, तो उसके बाद उससे अगले साल में दोबारा वो क्या हो जाएगा, इनकम में शामिल, उसके बाद दोबारा वो इनकम में शामिल हो जाएगा, और फिर अगर सब्सिक्वेंटली आपने वाकई में पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से माइनस करने की इजाजत हो। खर्चा किया, खर्चा किया लेकिन अदा नहीं किया, 3 साल गुजर गए, इनकम में शामिल कर देंगे। अच्छा, बाद में वाकई में अगर अदा करेंगे तो फिर दोबारा माइनस करने की इजाजत होगी। लो सर जी, ये वाली बात भी आ गई। अब आ जी, अगर आपकी स्टोरी में किस तरह हो कि हमने कर दिया था किसी को किराए पे, तो उसने कहा कि मतलब कि मैं किराया हमारा साल खत्म होने में 3-4 माह बन रहे थे, उसने ये कहा कि मैं 3-4 माह का किराया ना मतलब कि बाद में दूंगा, मैं कुछ हालात ठीक नहीं है, तो हमने तो मतलब कि कुल बेसिस पे कुछ 4 माह का किराया अपनी इनकम में ऐड कर दिया। शाबाश। और 4 माह बाद वो उसने कब्जे कर लिया, तो मतलब कि उसने वो घर नहीं छोड़ रहा, ये पहले पैसे दे रहे यहाँ कराने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश कर रहे हैं ना, उस डेफिनेशन में आ गया। सर ये देखिएगा, बिल्कुल होगा अलाउड एज डिडक्शन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, और स्टेप्स इकदाम उठा लिए गए हैं कि हम क्या करें, उस प्रॉपर्टी को खाली करवा दें। ठीक है, हम FIR कटवा देते हैं, पुलिस को एंगेज कर देते हैं, ये सारी बात है। तभी तो आप जो भी किराएदार होता है पहले थाने में भी एक कॉपी भिजवाते हैं आज कि भाई ये नया किराएदार है, इसी सिलसिले में थाने में रिकॉर्ड होता है उसका। सर जी, अगर वो जगह खाली है तो फिर तो किराया आ ही नहीं ना रहा, फिर तो वो तो फिर काउंट फॉर ही नहीं होगा। जब वो जगह किराए पर थी तो एक्चुअल फेयर मार्केट विच एवर इज हायर वो लेते हैं। ठीक है, यही सवाल पूछा ना आपने।
अच्छा सर, एडवांस, अब एडवांस होता है दो तरह का। अब फिर दोबारा मालिक मकान बन के सोचें, आपके पास एक जगह है, आपने किसी को किराए पे दी, उससे एडवांस लिया, तय ये पाया 1 लाख रुपए एडवांस होगा, 20,000 रुपये किराया होगा। वो करता पता क्या है, वो 15,000 एक्चुअल में किराया देता है, 5,000 एडवांस में से कटौती करा देता है, एडजस्ट करवा देता है, और आपका बकाया एडवांस कितना रह गया है, 90। और सर समझ आ रही है? तो भाई इस तरह से अगर चल रहा है, इसको कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। इसको क्या कहते हैं? एडजस्टेबल एडवांस, यानी एडवांस रेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, यानी एडवांस रेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, इसको कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। एडवांस रेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है। इस केस में इस एडवांस पे कोई टैक्स नहीं लगता। किराया आपको 15,000 मिल रहा है, 5,000 एडजस्ट हो रहा है, तो आपने टैक्स किस अमाउंट पे लगाना है, 20,000 रुपए पे, तो ऑटोमेटिकली एडवांस भी टैक्स हो जाता है। ठीक हो गया? ये है एडजस्टेबल एडवांस, यानी किराया 20,000 तय था, मिलता 15,000 है, 5,000 एडजस्ट हो जाता है, बकाया एडवांस कम रह जाता है, तो 20,000 रुपए पे टैक्स लेगा। एक माह का 20,000 है, साल का 24 लाख, 2,40,000 है, उस अमाउंट पे टैक्स लेगा। तो ये एडवांस की अमाउंट ऑटोमेटिकली रेंट में शामिल होकर टैक्स हो रही है। तो इस केस में एडवांस पे कोई टैक्स नहीं लगता। कौन सा एडवांस? अगर वो एडजस्टेबल हो। अगर वो एडजस्टेबल ना हो, एडजस्टेबल ना होने का क्या मतलब है? एडजस्टेबल ना होने का मतलब है कि वो आपसे पूरा 20,000 रुपया किराया लेता है हर महीने, और जब आप जगह खाली करेंगे, जब आप मकान खाली करेंगे, उस वक्त पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। आप मालिक है ना, आप जगह खाली करवा के उस वक्त पैसे वापस करेंगे। ये हो गया नॉन एडजस्टेबल एडवांस। सर एडजस्टेबल एडवांस की टैक्सेबिलिटी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रेंट के जरिए टैक्स हो रहा होता है। लेकिन नॉन एडजस्टेबल एडवांस में वो कहता है जितना किराया वसूल किया, यही शर्त थी, 1 लाख एडवांस था, 20,000 किराया था, तो साल का किराया कितना हो गया, 2,40,000। एडवांस कितना था, 1 लाख था, एडवांस 1 लाख था, इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये बन गया 10,000। जो एडवांस आपने वसूल किया है, जो एडवांस आपने वसूल किया है, सिंपली से डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे 10 सालों के लिए, 10,000 हर साल 10 सालों के लिए। ठीक हो गया? तो भाई नॉन एडजस्टेबल के केस में एडवांस पे अलहदा से टैक्स लगता है, एडजस्टेबल के केस में एडवांस पे अलहदा से टैक्स नहीं लगता। नॉन एडजस्टेबल के केस में एडवांस पे अलहदा से टैक्स लगता है, कितना, जितनी अमाउंट वसूल की उसको डिवाइड बाय 10 करके 10 सालों के लिए इनकम में शामिल करें। कितना एडवांस था, 1 लाख, 1 लाख को डिवाइड बाय 10 किया, 10,000 आ गया। ये कितने सालों के लिए, 10 सालों के, ये 10,000 ऐड कर दिया, तो ये 2,40 था, ये एडवांस जो था ये 10,000 था, ये 40 तो नहीं लग रहा देखने में, मैं कोशिश करता हूं कि दस हजार से ये हो गया 2.5 लाख, ये 2.5 लाख एडजस्ट। वो कहता है इस पर तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, रिटर्न टू द टेनेंट आफ्टर द वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉन एडजस्टेबल एडवांस कब वापस किया जाता है, जब जगह खाली कराएंगे तब वापस करेंगे, और ये टैक्सेबल होगा। कितना, जितनी अमाउंट वसूल की नॉन एडजस्टेबल एडवांस डिवाइड बाई 10 करके इनकम में शामिल करता। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर ये आप इसमें कुछ 1/10 करके 10 सालों के लिए, जिस साल एडवांस वसूल किया गया है इस साल की टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा, डिवाइड बाय 10 करके बढ़ाया ना, जिस साल एडवांस वापस किया है इस साल की टैक्सेबल इनकम में शामिल, जिस साल मैंने एडवांस वसूल किया था उस साल डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करेंगे। अब यहां पर मंथ का चक्कर नहीं होता यार, फुल ईयर नील ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, यही सेम है यहाँ पर।
जिस साल वसूल किया है डिवाइड बाई 10 करके इनकम में शामिल कर दो, जिस साल अदा किया है, जिस साल वापस किया है उस साल इनकम में शामिल नहीं होना। दो बातें हो गई। तीसरी बात अगर पुराना एडवांस वापस किया है और नया एडवांस वसूल किया है तो क्या होगा? अगर पुराना एडवांस वापस किया है और नया एडवांस वसूल किया है तो भाई नया एडवांस डिवाइड बाय 10 माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। नया एडवांस डिवाइड बाय 10 माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। लो सर, पहले साल का क्या सीन था? 20,000 रुपया किराया था, 10,000 रुपया एडवांस था। दूसरा साल आया, किराया 30 हो गया, एडवांस 1.5 लाख हो गया। पुराना किराएदार चला गया, नया किराएदार आ गया। नया किराएदार आने से नया एडवांस मिला भाई। नया एडवांस डिवाइड बाय 10 कर दे और पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है लेस कर देंगे। मुझे बताएं पुराना एडवांस कितना था? 1 लाख। उसका किस पे भाई? जिस साल पिछले साल ये वसूल किया था ना, जिस साल वसूल किया था उस साल इनकम में शामिल किया होगा, यस। और जिस साल वापस किया उस साल इनकम में शामिल नहीं किया होगा। तो भाई सिर्फ एक साल इनकम में शामिल किया है, ईयर 1 में लेस कर दिया। पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है लेस कर दिया। तो भाई 1.5 लाख में से 1,10,000 लेस किया, डिवाइड बाय 10 किया, ये जो अमाउंट आएगी ना 1,40,000, ये जो अमाउंट आएगी ना 1,40,000, ये कितने सालों के लिए होगी? ये सर 1,40,000 डिवाइड बाय 10 किया तो 14,000। ये वाली जो अमाउंट आएगी ना 14,000, ये अगले 10 सालों तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होती रहेगी। सर जी मेरा पॉइंट समझ आ गया? हम बताना क्या चाह रहे थे? हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर एक किराएदार चला गया और दूसरा किराएदार आ गया तो जाने वाले किराएदार को एडवांस वापस करेंगे, आने वाले किराएदार से एडवांस लेंगे। जो नया एडवांस लेंगे उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। नया एडवांस डिवाइड बाय 10 माइनस क्या करेंगे? पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है वो लेस कर देंगे। अब यहां पर इस केस में सिर्फ एक साल उसको इनकम में शामिल किया था, उतना लेस कर दिया। ये जो अमाउंट आएगी ये कितने सालों के लिए होगी? ये जो 14,000 है ये 10 साल, इस साल और अगले 9 साल कह दूं या 10 साल कह दूं, बात तो एक ही है। तो वो स्किप हो गया तो क्या? फिर फ्रॉम दिस, हाँ फिर चुप। लो सर, अगर एक साल के अंदर अंदर हो तो फिर ये सारी बात। लो सर जी, अगर ये बात क्लियर हो गई तो भैया मैंने आपको सारी बातें बता दी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या बातें आ सकती हैं मैक्सिमम, मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो गया। सर जी सबसे पहले रेंट, एक्चुअल और फेयर मार्केट विच एवरेज हायर, ठीक हो गया? मेरे साथ हाँ ना करो यार, उनते सारा पढ़ लेते ना चुप चुप बीते, अब हाँ ना करें, आगे चलते। दूसरा, नॉन एडजस्टेबल एडवांस 1/10, जितना एडवांस है डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करेंगे। और अगर पुराना किराएदार भी था, पुराना भी था, तो जितना आपने वसूल किया और पुराना जितना टैक्स हो चुका था लेस कर दिया, वो इनकम में शामिल होगा। होगा भाई, दूसरी बात। तीसरी बात, फोरफिटेड पढ़ाया है। चौथी बात, नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। सर जी आपने खर्चा किया था 3 साल तक, वो खर्चा पे नहीं किया तो चौथे साल क्या कर देंगे? वो एड बैक कर देंगे। पांचवी बात, इररिकवरेबल रेंट। रेंट इररिकवरेबल था, माइनस का दिया था, बाद में सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया, दोबारा क्या कर देंगे? मैक्सिमम ये चीजें आ सकती है। खर्चे कौन से हैं? गिनती के खर्चे हैं, वो भी जेन में रखिएगा। सर जी ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ये स्लाइड्स, सारी स्लाइड्स मैं दे दूंगा आपके, बल्कि जी ड्राइव के लिंक में जो कल की सारी स्लाइड्स हैं वो मौजूद भी हैं। रिपेयर अलाउंस 20%, आगे आ जाओ। सर जी टैक्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स। सर कलेक्शन चार्जेस,
ग्राउंड रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंश्योरेंस, शेयर ऑफ रेंट पेड, लीगल, सर जी समझ आ रहा है, ये सारा जो है वो कर लेंगे और टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। हाँ ये खर्चा है, इनकम जिसको मिल रहा होगा वो अदर सोर्स में आएगा, ये खर्चा है सर। लो सर जी, ये सारा चैप्टर मेरा ख्याल है कोई पहलू मैंने इस चैप्टर का छोड़ा नहीं है जो आपके साथ डिटेल में डिस्कस ना किया हो। जी सर, कुछ भी नहीं होगा सर। नॉन एडजस्टेबल एडवांस लिया है, 8 साल बाद वो किराएदार छोड़ गया है तो बस ठीक है। जब जिस साल हमने 8वें साल छोड़ा तो बस जिस साल पैसे वापस किए खत्म, उससे आगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिस साल जब वसूल किया वो साल और अगले जितने सालों में वो रहा वो तो डिवाइड बाय 10 होके आता रहेगा ना इनकम है। पहले साल ही छोड़ गया तो कुछ भी नहीं आएगा। जिस साल पैसे वापस किए उस साल कोई टैक्स नहीं होता। अच्छा जनाब, अब मैं जा रहा हूं अपने चैप्टर नंबर 10 पर। मैंने आपको कोई बात पूछनी है सर, जो वापस करेंगे जी तो जब मैंने एडवांस वापस किया उस साल कुछ भी इनकम में शामिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस तो कुछ करना ही नहीं है ना। एडवांस जब मैंने वापस किया उस साल इनकम में कुछ शामिल नहीं होता। उसको कुछ भी नहीं ट्रीट करेंगे, इसका मतलब है उसने अपना एडवांस एडजस्ट करवा लिया ना किराए के अंदर ही, उस साल एडवांस उसको समझेंगे, उसको वापस दे दिया, इनकम में शामिल नहीं करेंगे। सर जी अब मैं चलूं अदर सोर्स की तरफ, अगर अली हसन मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज एक ग्लास गर्म पानी का मुझे दे दीजिए। सर जी चैप्टर नंबर 10 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चैप्टर नंबर 10 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दिस इज अ रेजिडरी हेड ऑफ इनकम, ऑल काइंड्स ऑफ इनकम विच आर नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ अदर हेड्स ऑफ इनकम आर कवर्ड अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। इट मस्ट बी इनकम एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, it does not fall under FTR, it is not chargeable under any other head. सर जी अदर सोर्स की तरफ मैं जाने लगा हूं, गिनती के कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। पहले तो अदर सोर्स की जड़ को पकड़े, कौन सी चीज अदर सोर्स में जाएगी, इनकम हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो, NTR हो, FTR ना हो, NTR एफ टी आर ना हो और किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल, जिसमें ये सारी शर्तें पूरी हों वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर कौन कौन सी चीजें हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? रिसीट बेस पर टैक्स होती, रिसीट बेस समझते हैं, जितने वसूल किए उस पर टैक्स लगेगा, जितने अदा किए वो माइनस होगा। क्या क्या चीजें सर? डिविडेंट है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड है अंडर एनी टैक्स लॉ। सर डिविडेंड है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। अब डिविडेंड की बात करें तो आपके जिनमें फॉरेन आना चाहिए कि सर ये तो एफटीआर नहीं है भैया। अगर फॉरेन डिविडेंड हो
तो वो FTR नहीं होता, NTR होता है। और अगर आपको डिविडेंड मिला है और टैक्स कटे बगैर मिला है तो वो भी क्या होता है, NTR होगा। अगर NTR होगा तो अदर सोर्स में आएगा। रॉयल्टी नॉन रेजिडेंट को मिले तो FTR, रेजिडेंट को मिले NTR। प्रॉफिट ऑन डेट, इंशाल्लाह आज पढ़ना है मैंने, कंपनी को मिले तो NTR, और भी कुछ केसेस हैं वो NTR होता है। जब NTR होता है तो वो अदर सोर्स में जाता है। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, सर मेरा टैक्स कट गया था 11 लाख रुपए का, मेरी लायबिलिटी थी 10 लाख रुपए की, रिफंड था या टैक्स डिडक्शन थी 11 लाख की, टैक्स लायबिलिटी थी 10 लाख की, रिफंड था 1 लाख रुपए का और एक्चुअली रिसीव्ड था 1,10,000 रुपए का। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड कितना था? 10,000। सर जी गौर किया आपने, मुझे पैसे रिफंड मिलना था 1/1/2023 को 1,00,000 का, एक्चुअली रिसीव कितना हो गया? 1,10,000। मुझे ज्यादा पैसे मिले हैं डिले, क्योंकि उन्होंने 1 साल बाद वापस किया तो 1,10,000 वापस की। ये जो 10,000 रुपए इजाफी, ये जो इजाफी वापस किया है ना, इजाफी, थैंक यू भाई, ये जो इजाफी वापस की, यार गर्म चाहिए भैया, ज्यादा गर्म चाहिए तो गला खराब हो जाए। ये जो इजाफी वापस किया है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाए। सर ग्राउंड रेंट, अब ग्राउंड रेंट की स्टोरी सुनो। किराएदार ने, सर ध्यान से सुनना, किराएदार ने आपसे जमीन किराए पर लेकर अपने पैसे से बिल्डिंग बनाई है और मालिक को सिर्फ आप वो जमीन का किराया दे रहे हैं, तो उसके लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि अदर सोर्स होगा। सर ये वाली बिल्डिंग हमने मालिक मकान से जमीन किराए पर लेके ये खुद बनाया सारा, अब मालिक को क्या मिल रहा है किराया? सिर्फ जमीन, या बिल्डिंग तो हमने बनाई है ना, मालिक को जमीन का किराया मिल रहा है। मालिक के लिए ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। दिस इज ग्राउंड रेंट, दिस इज ग्राउंड रेंट, रेंट फ्रॉम द सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टूगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। सर बिल्डिंग, बिल्डिंग लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टूगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। सर जी आपने बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर दिया है तो ये किस हेड में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। सब लीज की बात नहीं आपसे की, सर मैंने किराए पर जगह ली और आगे किराए पर दे दी, किराए पर जगह लेकर आगे किराए पर दे दी। इस केस में जो किराए की जगह में, यानी मालिक मकान जो किराया वसूल करता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है, किराएदार जो किराए से कमाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। यार मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, इनकम From the lease of building together with plant and machinery. No, sir. Income from the lease of building together with plant and machinery. ये क्या हो गया? Lease of building together with plant and machinery. अब यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। Plant and machinery और building का इकट्ठा किराया 4,00,000 रुपये, तो ये किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का इकट्ठा कराया है 4,00,000 रुपए, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हाँ अब अगली बात देखो, अगर वो बता देते हैं कि बिल्डिंग का किराया 3,00,000 है और प्लांट एंड मशीनरी का किराया 1,00,000 है, तो फिर बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम, सर समझ आ रही है?
कंपोजिट रेंट, इकट्ठा रेंट अदर सोर्स में। अगर वो लहदा लहदा बताते तो बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी में और प्लांट एंड मशीनरी का। सेम गोज विद यूटिलिटीज एंड अमेनिटीज। सर जी आप हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल वालों ने आपको रूम स्पेस के साथ साथ लॉन्ड्री भी है, खाना भी है, स्विमिंग पूल भी है, इंटरनेट भी है, कार पार्किंग भी है, जिम भी है। साल सोचने में तो पैसे नहीं ना लग रहे। ये जो चीज़ है ये सारी अमेनिटीज है। बाइट गार्ड भी है मौजूद, बिजली पानी गैस भी शामिल है। ये जो सारे फायदे आपको मिल रहे हैं ये यूटिलिटीज अमेनिटीज है। अब आप उसको इकट्ठा 20,000 रुपये दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये 20,000 रुपया इकट्ठा दे रहे हैं तो ये अदर सोर्स में जाएगा। और अगर वो आपको कहते हैं कि भाई रूम स्पेस सिर्फ ले लें बाकी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो 5,000 की है और बाकी सारी चीज़ों की अलहदा पेमेंट होगी, तो फिर इसका मतलब है रूम स्पेस प्रॉपर्टी में जाएगा, बाकी सारा अदर। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये सर इसी तरह ही ये यूटिलिटी और अमेनिटी वाली बात। अच्छा जी अब आ गया डीम्ड इनकम। डीम्ड किसको कहते हैं? वो इनकम जो तसव्वुर की जाए। सर जी एसेट था 1 मिलियन का, एसेट था 1 मिलियन का, एसेट था 1 मिलियन का और इनकम थी 5 लाख रुपए इस साल में। ओपनिंग ये देखिएगा सर, ओपनिंग एसेट्स थे 10 लाख के, इस साल में पैसे कमाए 5 लाख और एसेट खरीद लिया 40 लाख का। तो टैक्स वाले कहेंगे भाई तुम्हारी तो कुल असासा ही कितना था? 15 लाख। तुमने 40 लाख का कैसे एसेट खरीद लिया? इसका मतलब यह है तुम कोई इनकम हमसे छुपा रहे हो। सर इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम और इसी को ही डीम्ड इनकम समझा जाता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स किया जाता है। सर एनुटी और पेंशन ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाती है, लेकिन अगर ये एनुटी और पेंशन आपका एम्प्लॉयर ना दे रहा हो, कोई और दे रहा हो, तो ये फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगी बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर विनिंग ऑफ लॉटरी, सर ये मैंने आपको FTR में भी पढ़ा है, लॉटरी प्राइज बॉन्ड्स वगैरह, ये FTR इनकम होती है। यस, लेकिन अगर टैक्स कटे बगैर मिले तो NTR होती है, और अगर NTR हो तो इस हेड में जाएगी। सर जी स्कोप एंड बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब आगे चल रहा हूं अच्छा जी कंसीडरेशन कहते हैं मुआवजा। अगर मेरे पास मेरा एक घर है, मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मुझे तुम इजाजत दो कि मैं तुम्हारा घर खोद लूं और खोद के इसके नीचे कुछ जेवरात पड़े हैं वो मैं निकाल लूं या कीमती पत्थर है वो मैं निकाल लूं, मैं उसको कहता हूं कि अच्छा चलो ठीक है तुम्हें इजाजत है लेकिन मैं इसका 5 लाख लूंगा। मैंने उसको कीमती पत्थर एक्सप्लोर करने के बस 5 लाख रुपए चार्ज किए और उसने वो मेरा घर खोद के वो कीमती पत्थर निकाल दिए, मुझे कितने पैसे मिले? 5 लाख। ये किस हेड में जाएंगे? ये मेरी इनकम होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं लालच में आ गया और मैंने कहा भाईजान 5 लाख तो मैं लूंगा, जितना पत्थर निकला उसका भी आधा मैं लूंगा, तो फिर 5 लाख एक और पत्थर अगर 1 करोड़ रुपए का निकला तो 50 लाख वो भी, तो टोटल मेरी इनकम में कितना जाएगा अब? 55 लाख। सर समझ आ रही है? तो भाई उसने ये बात की जो भी पैसे मैं लूंगा उसको इजाजत देने के कि वो यूज करे, एक्सप्लॉइट करे, खुदाई कर ले मेरी प्रॉपर्टी की ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सके या निकाल सके, या मैं उसके एवज कोई बेनिफिट भी लेता हूँ वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर जी प्रॉपर्टी, सर जी याद रखना प्रॉपर्टी का मालिक होना और है, प्रॉपर्टी का काबिज होना और है। पोजेशन डिफरेंट चीज होती है, ओनरशिप डिफरेंट चीज होती है। जिसके पास किराया होता है पोजेशन उसके पास होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मालिक हो।
बाज़ औक़ात ये कब्जा ही बिक जाता है, ऐसी दुकान है कि उसकी पोजेशन बिकती है कि वो मालिक आपसे वो जगह खाली नहीं करेगा, कब्जा आपके पास आ जाएगा, हालांकि मलकियत आपकी नहीं होगी। तो ऐसा हो जाता है, बहुत सी मस्जिद की दुकानें हैं जिस जिनका कब्जा बिकता है, मलकियत मस्जिद की होती है और आपको किराया भी देना होता है लेकिन कब्जा बिक जाता है। अब इस केस में क्या होता है, पगड़ी सिस्टम भी यही है, आपने वो कब्जा खरीदा था 1 करोड़ रुपए का, आपने वो कब्जा बेच दिया 3 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए का, कितने पैसे कमा लिए, 50 लाख कमा लिए। ये 50 लाख आपने पैसा कमाया, ये इनकम फ्रॉम अदर्स। सर जी अगर आप उस दुकान के मालिक होते और आप ये 50 लाख रुपया कमाते तो ये 50 लाख रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना जाता बल्कि, बड़ी गल है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कहना चाहिए था आपको, कैपिटल गेन कहना चाहिए था। ये प्रॉपर्टी से जो बंदा पैसे कमाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो तो कैपिटल गेन में जाते हैं, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे, आपने कब्जा ही खरीदा था, आपने कब्जा ही बेचा, अब जो पैसे आपने कमाए ये कैपिटल गेन में नहीं जाएंगे बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। क्या ये सारे का सारा एक ही साल में टैक्स होगा? द आंसर इज नो, इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे और हर साल 5 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में शामिल होकर टैक्स होगा 10 सालों में इक्वली, जिस तरह अभी नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी और एडवांस का पढ़ाया। अप्रूव्ड एनुइटी प्लान है सर जी, ये वाली बात नहीं है, वो आपको जरूर बताना चाह रहा हूं कि भैया इनकम राइजिंग फ्रॉम, सर जी अगर आपको बोनस शेयर मिल जाते हैं, क्या मिलता है सर जी, अगर आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं तो याद रखना ये बोनस शेयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे, ये बोनस शेयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। सर जी लोन, अब मैं अगली बार ध्यान लगाऊं, ये बात बताने से पहले हाँ पहले गिफ्ट की बात कर लूं। सर जी आपको आपके सगे रिश्तेदारों के अलावा या आपकी बेगम के सगे रिश्तेदारों के अलावा या आपके एडॉप्टेड चाइल्ड के अलावा जो बंदा भी तोहफा देगा वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। दादा दादी माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे आपके, आपकी बेगम के और आपका एडॉप्टेड बच्चा, इसके अलावा जो बंदा भी आपको गिफ्ट देगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होगा। इवन पास पेपर में सवाल है आप के आपको सलामी इकट्ठी हुई है शादी पे और आपके दोस्तों ने आपको सलामी दी है 40 लाख रुपए, तो क्या वो आपकी इनकम में शामिल हो गए टैक्स होगा? यस। लेकिन अगर वो सलामी आपके फादर ने दी है तो ये सगे रिश्तेदार, या आपकी सास ने दी है, अगर सास ने बहू को ज्वेलरी दी है तो क्या वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? नो, वो इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। हाँ अगर पैसे कैश में दिए तो क्या होगा? आ जाओ, ये बात समझ आ गई, सगे रिश्तेदारों के अलावा कोई तोहफा देगा, सगे रिश्तेदारों के अलावा कोई तोहफा देगा तो वो हमेशा इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर सगे रिश्तेदार तोहफा देंगे या लोन लेंगे या डिपॉजिट फॉर इश्यूज ऑफ शेयर होगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप खोलता हूं। इस एरिया का सबसे ट्रिकी पॉइंट ये है, लोन, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर और एडवांस, अगर इन चार चीजों के हवाले से, अगर इन चार चीजों के हवाले से आपको पैसे मिले हैं तो स्टेप नंबर 1 ये देखेंगे कि आप बैंक से मिले हैं, अगर बैंक से मिले हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर बैंक से नहीं मिले तो देखा जाएगा कैश से मिले हैं, क्रॉस चेक से मिले हैं या अदर बैंकिंग चांस में। अगर आपको कैश से पैसे मिले तो टैक्सेबल होगा, क्रॉस चेक से मिले तो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर अदर बैंकिंग चैनल से मिले तो देखा जाएगा जिस बंदे से मिले उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, अगर उसका एनटीएन बना हुआ है तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर एनटीएन नहीं बना हुआ तो टैक्स लगेगा। ये एक ट्री है जो आपके जेहन में होना चाहिए, लोन, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव,
डिपॉजिट ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर और एडवांस, इन चार चीजों के वजह से आपको पैसे मिले हैं। तो पहले क्या देखना है, बैंक से मिले हैं तो कोई टैक्स नहीं, अगर बैंक से नहीं मिले क्या ऐसे मिले तो टैक्स लगेगा, क्रॉस चेक से मिले तो टैक्स नहीं लगेगा। अदर बैंकिंग चैनल में क्या शामिल है, ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड। जिस बंदे ने अदर बैंकिंग चैनल यूज किया क्या उसका एनटीएन है या एनटीएन नहीं है, अगर एनटीएन है तो नो टैक्सेबिलिटी, अगर एनटीएन नहीं है तो टैक्सेबल। यार मेरी बात समझ आ रही है, एक्सेप्शन इन द केस ऑफ एडवांस सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर जी एडवांस के केस में अगर सेल ऑफ गुड्स यानी दोनों में से एक गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं उसके वाले से आपने एडवांस लिया है तो इस पर कोई टैक्स लेकिन अगर सेल ऑफ गुड्स और यानी सेल ऑफ गुड्स भी है और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी है और उसके वाले से आपने एडवांस लिया है तो रूल अप्लाई होगा, रूल अप्लाई होगा। सर जी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी ये इस एरिया की, जिसमें वो कहता है कि जनाब आपको जो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपको कल मैंने दिया था, ये गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये वाला कानून है, वो ऑब्जेक्टिव था, लॉ ये है। ये इंशाल्लाह आपके साथ स्लाइड शेयर हो जाएंगी तो ये चीजें आप बड़ी डिटेल में इसको देख भी पाएंगे बाद में भी, अभी से ना मैं ये चाह रहा हूं कि आप कैच करते रहें सब कुछ। लो सर प्रॉफिट ऑन डेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट ऑन डेट। आप प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी आप कैपिटल के अलावा जो भी आप पैसे ले रहे हैं और फिक्स ले रहे हैं अगेंस्ट अ डेट तो वो प्रॉफिट ऑन डेट होता है, और प्रॉफिट ऑन डेट याद रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। लेकिन अगर एक ऐसा इदारा है बैंक है, बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट उसका असल बिजनेस है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं। अगर कोई इदारा किस्तों पर चीजें देता है, कौन सा इदारा, पांच इदारा, पहला स्केजुअल बैंक, दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक, तीसरा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, चौथा मुदारबा, पांचवा लीजिंग कंपनी। अगर ये पांच इदारे हैं, इन पांच इदारों में से कोई बंदा किस्तों पर चीजें देकर पैसे कमाता है तो वो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। अगली बात सुनना, बैंक ने इन्वेस्टमेंट की थी म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमाए और प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमाने के बाद उसने उस प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमाए म्यूचुअल फंड ने और वो बैंक को दे दिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। ये वाली बात थी सर। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट टैक्सेबल होता है, यस सर, असल में प्रॉफिट ऑन डेट इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक आइटम होता है और कंपनी के लिए एनटीआर होता है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक आइटम होता है, सेपरेट ब्लॉक आइटम होता है तो रेट कौन सा लगेगा, उसने कहा अगर 5 मिलियन तक है तो 15% प्रॉफिट ऑन डेट, लोन नहीं डेट नहीं, उसका प्रॉफिट अगर 50 लाख है तो सेपरेट ब्लॉक आइटम होगा और 15% टैक्स देगा, और अगर 5 मिलियन से ऊपर हो गया तो फिर ये एनटीआर होगा और इस पर क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। यानी केस दूसरा कंपनी हो तो एनटीआर है, दूसरा केस है अगर 5 मिलियन से ऊपर हो तो एनटीआर है, तीसरा केस है अगर एग्रीमेंट, अगर लोन एग्रीमेंट के तहत पैसे दिए गए हैं और टैक्स नहीं काटा गया, जब प्रॉफिट ऑन डेट दिया है तो टैक्स काट के पेमेंट होनी चाहिए थी, अगर टैक्स नहीं काटा तो वो एनटीआर होगा, टैक्स नॉट डिडक्टेड तो वो क्या होगा, एनटीआर होगा, टैक्स नॉट डिडक्टेड तो वो एनटीआर होगा। लो सर और आखिरी बात यह है, अगर कोई बंदा है जिसको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से पैसे आ रहे हैं या पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट से पैसे आ रहे हैं तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, वो कहते हैं मैक्सिमम 5%, एनटीआर या मैक्सिमम
5%। क्या मतलब सर? एक बंदा है जिसको कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनियर अकाउंट से। तो जनाब इस केस में अगर अंडर एनटीआर है तो उसका टैक्स बन रहा था 10 रुपए और 5% के हिसाब से बन रहा था 5 रुपए। तो उसने कहा जो लोअर होगा एनटीआर के तहत जो टैक्स बन रहा है और 5% के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है, जो लोअर होगा उस पर टैक्स लगेगा। हाँ केस टू देखें, इनकम 100 रुपए है, एनटीआर के तहत 2 रुपए बन रहा है, 5% के हिसाब से 5 बन रहा है, तो लोअर कौन सा है यार? जो वो कहता है 5% ही एनटीआर, जो लोअर होगा उस पे टैक्स लगेगा। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल उसने दी हुई है, प्रॉफिट ऑन डेट का एक बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है। मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी बना के डाली थी, उसका थीम ही ये था कि आप लोग में से जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ सकती है उस सवाल में वो करें, चूंकि वो एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो 3-4 चैप्टर्स को मर्ज करके उसने वो सवाल दिया था। तो मैंने सोशल मीडिया पर डाली हुई है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, आज बच्चों को लिंक के तौर पे भी वो शेयर कर दीजिएगा, प्रॉफिट ऑन डेट विद लेटेस्ट अटेम्प्ट का जो पिछली से पिछले अटेम्प्ट का जो उसका न्यूमेरिकल था वो भी मैंने साथ कराया था, तो वो ज़रूर शेयर करवा दें। ठीक हो गया सर जी? नियर पेयर के वैसे स्मार्ट कोर्स में भी मैंने ऐड करवा दिया हुआ। अच्छा जी, एडमिसिबल डिडक्शन, कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? सर जी कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, पेड बेस पर जो भी खर्चा होगा वो माइनस करने की इजाजत है। पेड बेसिस पर, यानी जितना खर्चा पे जो एक्चुअल पेमेंट करेंगे वो माइनस करने की इजाजत है। अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर था और आपने उसमें से ज़कात पे की है तो लेस होगी, अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम होगा तो जाहिर बात है लेस नहीं होगी। सर जी आपको पता है अगर बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी अदर सोर्स आप उसको किराए पर दिया, अगर वो अदर सोर्स में जा रहा है तो बिल्डिंग की इनिशियल अलाउंस, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी का इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी जो प्लांट एंड मशीनरी होती है उस पर इनिशियल अलाउंस में मिलता है और डेप्रिसिएशन में मिलती है, यस और नो? और जो बिल्डिंग होती है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता, इस वजह से उस पर सिर्फ क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। बिल्डिंग एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता, उस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, उस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलती है। तो वो कहता है अगर आपने प्लांट सब लीज किया हुआ है, लैंड को या बिल्डिंग को या बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर दिया हुआ है, क्वेश्चन है बैठ जाए तो मैं ये सॉल्व। तो वो कहता है कि जी इस पर बिल्डिंग के केस में डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी के केस में इनिशियल अलाउंस से डेप्रिसिएशन लेस करने की इजाजत होगी। तो भाई जो खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है उससे रिलेटेड खर्चा, जो खर्चा वो वाला सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होगा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सर जी ये एडमिसिबल डिडक्शन के वजह से थी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की सारी डिस्कशन मैंने कर दी। एक छोटा सा सवाल है, E10 है, सादिक और तारिक वाला, ये वाला सवाल पास पेपर में भी आया हुआ है। बाजों का इतना वो आपको करता ही है। अब इस सवाल में जो मैं सवाल तो नहीं ऑब्वियसली करा सकता टाइम लिमिटेशन की वजह से, लेकिन आपको इसकी थीम बता देता हूँ। बाजों का तो वो आपको बता देता है कि भाई ये मुझे टोटल किराया मिल रहा है, बिल्डिंग का किराया इतना था, प्लांट एंड मशीनरी का किराया इतना था, सादिक का शेयर इतना है, तारिक का शेयर इतना है। तो वो असल में क्या करता है, वो आपको एक किराया बताता है, उसमें से प्रॉपर आपको बताना होता है कि भाई यूटिलिटीज का इतना था, प्रॉपर्टी का इतना था। जो प्रॉपर्टी में निकाला उस पर प्रॉपर्टी के रूल लगाओगे, जो अदर सोर्स था उस पर अदर सोर्स के रूल लगाओगे, फिर जो इनकम बचेगी उसको 75-25 या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस पर तकसीम कर दोगे। ये एग्जांपल जॉइंट ऑनर के लिए भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो जॉइंट सवाल आता है ये बड़ा अच्छा सवाल है जिसमें उसने ये सारी चीज दी हुई है। तो भाई आपको उसने अगर बताया हुआ है कि 75 और 25% शेयर है, अगर उसने बताया हुआ है कि 75 और 25% शेयर है, तो आपने क्या करना है, आपने टोटल किराया लिया जो प्रॉपर्टी के अंडर आता है वो लिखा, अदर सोर्स के अंडर जो आता है वो लिखा, उसमें से रिपेयर लेस किया। अब यहां पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सारे कानून लग रहे हैं,
कलेक्शन चार्जेस पर 4% वाला रूल लगाया है, रिपेयर पर 20% वाला रूल लगाया है, जबकि अदर सोर्स के केस में सिंपल उसने क्या कर दिया है, जो खर्चा भी होता है वो सिंपल लेस कर देते हैं, और फिर जो इनकम बचेगी उसको फिर को ओनर्स में या जॉइंट ओनर्स में तकसीम कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये सवाल है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लो सर जी ये डिस्कशन थी हमारी चैप्टर 10 की। जी कोई सवाल? विद होल्डिंग एजेंट वो एजेंट है, ऑनलाइन सवाल किया एक स्टूडेंट ने, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं। विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है? सर जी विद होल्डिंग एजेंट वो बंदा होता है जो क्या कहते हैं विद होल्ड करता है। मैंने बैंक को 10 लाख रुपए जमा कराया, मुझे महीने का 1 लाख रुपए मुनाफा मिलता है, तो बैंक मुझे 1 लाख रुपया नहीं देगा, बल्कि बैंक मुझे टैक्स काटेगा 1 लाख में से 15% और मुझे 85,000 देगा। तो बैंक कौन है? विद होल्डिंग एजेंट है, यानी वो एजेंट है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स काट के मुझे पैसे दे रहे। सही समझ आ रही? प्रॉफिट ऑन डेट का 4th बुलेट। प्रॉफिट ऑन डेट 1, 2, 3, ये 4th बुलेट। जी ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूं अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही है। क्या स्टूडेंट इसकी बात कर रहे हैं? जी प्रॉफिट ऑन डेट का 4th बुलेट यही बनता है। इसमें वो क्या ये रहा है, ये सर इसकी डायग्राम से इसको पिक करेंगे ना तो बड़ा बेहतर पिक हो जाएगा। बैंक को पैसे मिल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, जो उसको जो म्यूचुअल फंड ने कमाए हैं प्रॉफिट ऑन डेट से। तो म्यूचुअल फंड अगर प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमा के बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। ये वाला पॉइंट है। तो एनी अमाउंट रिसीव बाय द बैंकिंग कंपनी, अब इसने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है कि बैंकिंग कंपनी मैंने सिर्फ बैंक लिखा है, उसने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी लिखा है। मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड लिखा, उसने प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड भी लिखा है, बस असल बात वही है। जी जाहिरी बात है उनका असल काम ही वही है, उनका असल काम ही वही है। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट की डिस्कशन भी हमने की है। सर जी अगर किराएदार आपसे जमीन किराए पर लेके खुद अपने पैसे से बिल्डिंग बनाए और वो आपको जमीन का किराया दे तो इसे ग्राउंड रेंट कहते हैं। वो जो जमीन का मालिक था उसको जब ये ग्राउंड रेंट मिलता है तो उसके लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। उस केस में अगर किराएदार उस पर बिल्डिंग खड़ी कर ले, अगर किराएदार उसी जमीन को इस्तेमाल करे और फिर वापस कर दे तो फिर तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। लेकिन किराएदार अगर आपसे वो जमीन किराए पर लेकर उस पर बिल्डिंग तामीर कर ले तो इस केस में जो किराया आपको मिल रहा होगा वो सिर्फ जमीन का मिल रहा होगा और वो ग्राउंड रेंट होगा और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। जी जी जिसने बिल्डिंग बनाई है वो आगे वो सब लीज होगी सर, वो सब लीज होगा। अब उसमें क्या कहते हैं ये पॉइंट है कि आप जिसको आपने किराए पे दिए वो आगे किराए पर दे दें ना, तो किराए की चीज आगे किराए पर दें तो वो सब लीज हो जाते हैं। ठीक है ये होता है। जी भाई सब लीज हो, जिसके आप मालिक नहीं है वो सब लीज। लो सर जी कौन से वाला म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन कर दीजिए। सर म्यूचुअल फंड हमारे स्कोप में नहीं है, मैं इसको प्लीज इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाहूंगा। बस इतना सा बता दूं ये एक ऐसा इदारा है जो दूसरे इदारों के शेयर्स खरीदता है या डिबेंचर्स खरीदता है और उससे पैसे कमाता है और जो इस इदारे के शेयर होल्डर या मेंबर होते हैं उनमें तकसीम करता है। सर जैसा आपने कहा कि ओनर को टैक्स लगाएगा एडवांस पे 5 साल बाद करे
किराएदार घर छोड़े तो उसको एडवांस कितना वापस होगा? सर एडवांस 5, आप खुद सोचे ना, मैं एक मालिक मकान हूं, 5 साल बाद जब किराएदार जाएगा तो मैं उसे पूरा एडवांस वापस करूंगा। 5 साल बाद जब किराएदार जाएगा तो मुझे पूरा एडवांस लेगा या नहीं लेगा? लेगा। अब मैं आपको असल बात बताता हूं, ये भाई जो सवाल पूछना चाह रहे हैं ये सही पूछ नहीं पाए। सवाल ये असल में ये पूछना चाह रहे हैं कि 5 साल बाद जब मैंने वापस करना है तो क्या मैंने पूरे पैसे वापस करने? हाँ जी। तो फिर मैं इनकम में क्यों शामिल कर रहा हूं? ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। जो मैं, अगर मैं 100 रुपया ले रहा हूं और मैंने 100 रुपये उसको वापस करना है तो मैं 100 को डिवाइड बाय 10 करके अपनी इनकम में क्यों शामिल कर रहा हूं? ये सवाल है। तो इसका जवाब है, चूंकि उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है, उस पैसे की वैल्यू है। मैंने जब बैंक से लोन लिया था तो मैंने बैंक को पैसे वापस करने थे या नहीं? करने थे। तो मैंने उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट क्यों दिया? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू थी। मैंने जब अपने एम्प्लॉय से लोन लिया और वो इंटरेस्ट फ्री लोन था तो 10% अपनी इनकम में क्यों शामिल किया? पैसे तो मैंने वापस करने थे। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? इस पैसे की वैल्यू है। जो आज से 5 साल पहले 1 करोड़ था, यकीन माने आज 80 लाख नहीं है, 70 लाख नहीं है। पैसा डी वैल्यू हो रहा है। तो ये तो एक बात है कि पैसा डी वैल्यू हो रहा है। अगर पैसा ना भी डी वैल्यू हो रहा हो तो पैसे को आपने अपनी प्रॉपर्टी के एवज जो पैसा उससे वसूल किया है उसको इस्तेमाल करने का हक देते हुए, ये भी फायदा है जो आपने उसको किराए पर देने से लिया, और वो भी आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मेरा ख्याल है आप ये सवाल पूछना चाह रहे थे। खैर, चूंकि बच्चे रूटीन में ये वाली बात पूछते हैं, मुझे अंदाजा है कि क्या पूछना चाहते थे आप। जी जी, ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो, अगर आप ग्राउंड रेंट पे कर रहे हो तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है, और अदर सोर्स में अगर आप वसूल कर रहे हो तो वो अदर सोर्स में आएगा। ठीक हो गया जी। जो एडजस्टेबल एडवांस होता है जी, वो रेंट में से कट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वापस कर रहे हैं तो जो एडजस्ट हो गया वो तो अपनेंगे, बाकी वापस करेंगे? वो तो साथ साथ एडजस्ट होता रहता है। यस, जो बकाया होगा वही वापस करेंगे। यस, कटौती के बाद। लो सर, कैपिटल गेन चैप्टर नंबर 9। यार कोई चीज छोड़ तो नहीं रहा मैं? डिटेल से सारा कुछ बता रहा हूं। यस और नो? चलो, जी भाई। सर इसके कैपिटल गेन के फौरी बाद ब्रेक होगी। सर बंदा ध्यान से पढ़ो, उसे ध्यान में नहीं रहता कि ब्रेक भी कोई चीज है कि नहीं। ये तो वो वाली क्लास है जिसमें सीट बेल्ट बांध के ना फिर बंदे को बैठना चाहिए। यार फुल दिमाग अलर्ट रखना है, सब कुछ पिक करना है, बस पिक करते रहे, बस ये जो कैच है कोई ड्रॉप ना हो जाए। ठीक है, फिर इकट्ठे एक बार रुक के तो फिर देखेंगे आगे क्या दुनिया में और क्या चल रहा है। लो सर, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या है? इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट सिवाय इन 12 आर्ट रिलेटेड आइटम के कैपिटल एसेट नहीं है। ये 12 आर्ट रिलेटेड आइटम, पेंटिंग, कॉइन, ड्रॉइंग, मेडेलियन, ज्वेलरी, स्कल्पचर, फोलियो, फर्स्ट डे कवर, बुक, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैंप और एंटीक, ये 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स हैं, ये कैपिटल एसेट हैं। सर इसके अलावा और भी कोई कैपिटल एसेट है? जी असल कैपिटल एसेट तो ये हैं, शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वाउचर्स हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स हैं। सर जी गुडविल, पेटेंट ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आते हैं। भाई जो अमोर्टाइजेबल होगा वो बिजनेस में आएगा, जो अमोर्टाइजेबल नहीं होगा वो कैपिटल एसेट होगा। सर डिस्पोजल क्या होता है? सर या एसेट खत्म हो जाए या एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहो, ये डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है? ये एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहो, ये डिस्पोजल। बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट क्या है? एन एसेट हेल्ड होली और पार्टली फॉर यूज इन द बिजनेस। एन एसेट हेल्ड
जी एसेट पार्टली ये होली बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो वो बिजनेस एसेट है, और एक एसेट जो होली पर्सनल यूज हो रहा हो वो पर्सनल पर्सनल एसेट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल हो बस, उसके अलावा जो थोड़ा सा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है वो भी बिजनेस एसेट है, जो सारा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है वो भी बिजनेस एसेट है। सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए माइनस बी, ए सेल प्रोसीड, बी कॉस्ट। कॉस्ट किसके बराबर होगी? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में क्या शामिल होता है? हर वो खर्चा जो कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए किया, हर वो खर्चा जो कैपिटल एसेट से रिलेटेड था वो कॉस्ट में शामिल होता है। हाँ कैपिटल एसेट की कॉस्ट में कोई ऐसा खर्चा शामिल नहीं होगा जो किसी और हेड से रिलेटेड है, और कैपिटल एसेट की कॉस्ट में कोई ऐसा खर्चा शामिल नहीं होगा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज डिडक्शन अलाउ नहीं था। सर बड़ी काम की बात है, डिडक्शन नॉट अलाउड आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ा, वो खर्चे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है वो कैपिटल कैपिटल एसेट की कॉस्ट शामिल कॉस्ट नहीं बनेंगे। वो खर्चे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी माइनस नहीं होते। ठीक हो गया सर जी? ये वो वाले जो बिजनेस के सारे खर्चे उनकी स्टोरी है सर। तो भैया वो खर्चा जो किसी और हेड से रिलेटेड है, वो खर्चा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं होगा। डिडक्शन ऑफ लॉसेज में सेल प्राइस है। तो सर ये बात ध्यान से सुनना, सर जी 150 रुपए का एसेट बेचा था, 70 रुपए का खरीदा था, तो 80 रुपए का कैपिटल गेन हो गया। दूसरी कंपनी बी लिमिटेड का शेयर 120 रुपए का बेचा, 150 का खरीदा था, 30 का लॉस आ गया। सवाल यह है क्या बी लिमिटेड का लॉस ए लिमिटेड के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? क्यों जी? एक एसेट एक कैपिटल एसेट का लॉस है, दूसरे कैपिटल एसेट का गेन है, क्या आपस में एडजस्ट होगा? यस होगा। नो वाली तो गल ही नहीं गी। नो तो आपने तब कहना कैपिटल एसेट का कैपिटल लॉस है वो किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता, ये तो होगा ना भाई। हाँ अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होता। सी लिमिट के शेयर्स पर गेन टैक्सेबल नहीं था तो इसका लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होगा। सर आर्ट रिलेटेड आइटम है उसको बेचने पर लॉस आ गया, आर्ट रिलेटेड आइटम को बेचने पर लॉस आ गया तो ये भी एडजस्टेबल नहीं होगा। सर जी अगर शहीद को, सर जी आपको बताता चलूं इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये भी कैपिटल एसेट होती है। अगर शहीद को मरने के ऊपर कोई प्लॉट दिया गया है और उसकी फैमिली उसको बेचती है और उन पर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ अगर कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड आर्मी का बंदा है या सरकारी मुलाजम है, चार बंदे गए हैं हाजिर सर्विस या रिटायर्ड सरकारी मुलाजम या आर्मी का बंदा, इन लोगों को अगर कोई ओरिजिनल अलॉटी के तौर पे इन लोगों ने कोई प्लॉट या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है तो इनको रेट 50% लगेगा, जो ओरिजिनल रेट है उसका 50% लगेगा, यानी 50% रियायत हो जाएगी। और अगर यही लोग 3 साल तक इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड भी करते हैं तो ये टैक्स लायबिलिटी 75% तक रिड्यूस हो जाएगी। ओरिजिनल लॉटी वो होता है, सर मैंने गाड़ी होंडा से खरीदी है, मैं ओरिजिनल लॉटी हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं सेकंड हैंड गाड़ी खरीदूंगा तो मैं ओरिजिनल लॉटी नहीं हूँ। मैंने प्लॉट DHA से खरीदा है तो मैं ओरिजिनल लॉटी हूँ। मैंने मार्केट से सेकंड हैंड जिसने पहले खरीदा था उससे खरीदा तो मैं ओरिजिनल लॉटी नहीं हूँ। ये वाली सहूलत ओरिजिनल लॉटी के लिए। सर डिडक्शन ऑफ लॉसेस सर जी ये वाली बात लॉसेस वाली मैंने आपको बता दी है। 3 बातें और है। पहली बात यह है कि जी कैपिटल लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता। दूसरी बात यह कि अगर कैपिटल लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा? ना एडजस्ट हो सके तो 6 साल तक कैश फॉरवर्ड। और तीसरी बात क्या है, अगर 1 साल में लॉस आए दूसरे साल में भी लॉस आए तो पहले कौन सा लॉस एडजस्ट होगा? पुराना FIFO मेथड, फर्स्ट जो पहला लॉस है वो पहले एडजस्ट होगा, या इसको ऐसे याद रखने के पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट है।
अब जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आएगी तो आपने स्टेप नंबर वन में देखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, क्योंकि एक बात बड़ी अहम है सर, ये ध्यान से देखना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब ये कैपिटल एसेट है या नहीं है, है तो किस तरह है। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी दो हैं, या लैंड जो कन्फर्म कैपिटल एसेट है, या बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग में देखना है क्या वो पर्सनल है, तो वो डेप्रिशिएबल नहीं है, डेप्रिशिएबल नहीं है तो कैपिटल एसेट है। और अगर वो पर्सनल नहीं है बल्कि बिजनेस की है तो देखेंगे क्या यूज कर रहे हैं तो वो डेप्रिशिएबल है, डेप्रिशिएबल होगा तो फिर कैपिटल एसेट नहीं होगा। और अगर वो यूज नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए है तो वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। यार थीम समझ गए हो? आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की ये वाली जड़ पता होनी चाहिए, तभी तो आप हिसाब लगाएंगे कि इसको क्या प्रॉपर्टी में लेके जाना है, कैपिटल गेन है नहीं है, क्या है। पर्सनल कंफर्म कैपिटल एसेट है, लैंड कंफर्म कैपिटल एसेट है, बिल्डिंग जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है वो डेप्रिशिएबल है, कैपिटल एसेट नहीं है। बिल्डिंग जो बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही है बिजनेस की, लेकिन बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगी तो कैपिटल एसेट। यार बात समझ गए हो? लो सर, अब अगर आपको ये थीम समझ आ गई अब आसानी है। अब मैं आपको ये वाली बात समझाता हूं। आपने सबसे पहले ये देखना होता है ये कैपिटल एसेट है या नहीं। दूसरे नंबर पे ये देखना होता है कि कैपिटल एसेट तो है, तो अगले स्टेप में आप ये देखेंगे कि ये है कौन सा, ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, कैटेगरी कौन सी है। तीसरे नंबर पे क्या देखना है, होल्डिंग पीरियड देखना, तीसरे नंबर पे होल्डिंग पीरियड देखना, और चौथे नंबर पे फिर उसका टैक्स कैलकुलेट। यार मुश्किल तो नहीं है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, गेन तो निकाल लिया, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, सेपरेट रेट लगेगा, स्लैब वाला रेट नहीं लगेगा। अच्छा जनाब ये वाली बात भी आपके साथ कर ली, 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी होगी तो कैश में पे नहीं करना, जो कैश में पे करेंगे ना वो कॉस्ट का हिस्सा भी नहीं बनेगा, और जितनी अमाउंट कैश में पे करेंगे उसका 5% पेनल्टी भी लगेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मिलियन से ऊपर होगी तो कैश में पे नहीं करना, और अगर कैश में पे किया तो ना वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा और उस पर पेनल्टी भी लगेगी। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद बात कर लेते हैं एक मिनट सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में सिर्फ 7 चीजें हैं, यू फोन की सिम और डीवीडी, यू सिम डीवीडी। सर यू फॉर यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुदारबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटीज, वाउचर ऑफ पीटीसीएल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। भाई यू फोन की सिम और डीवीडी याद रखिएगा, ये 7 आइटमें सिक्योरिटीज की हैं। सर जी सिक्योरिटीज की ये जो आइटम्स है ना, इन सारी आइटम्स पर ये सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है, इनके डिस्पोजल पर जो गेन होता है वो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होता है। इन पर टैक्स कितना लगना है सर जी, बड़ी ध्यान से सुनिए, 1 जुलाई 2022 के बाद जो सिक्योरिटी खरीदी है उस पर टेबल लगना है। 1 जुलाई 2022 से पहले जो सिक्योरिटी खरीदी है उस पर 12.5%, 1 जुलाई 2013 से पहले कोई सिक्योरिटी खरीदी है तो उस पर 0%। रेट पेपर में गिवन होंगे, इतना पता होना चाहिए आपने खरीदी कब। 1 जुलाई 2013 से पहले खरीदी तो 0%, जुलाई 2022 से पहले खरीदी तो 12.5%, और 2022 के बाद खरीदी है तो टेबल अप्लाई होगा। यानी होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल तक है तो 15%, 1 साल से 2 साल तक है 12.5%, 2 साल से 3 साल हो ही नहीं सकता कि चल क्या रहा है, और जुलाई 2022 चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है, जून 2022 तो नहीं आया अभी, सर समझ आ रही है।
तो ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग पीरियड 2 साल होगा तो 12.5%, 1 साल होगा तो 15%। रेट याद नहीं करने, पेपर में गिवन होंगे, आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। 13 से पहले खरीदा है तो कोई टैक्स नहीं, 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदा तो 12.5% टैक्स, और इसके बाद खरीदा तो टेबल। 1 साल तक होल्डिंग रेट है तो 15%, और 1 साल से ज्यादा है, 2 साल से कम है तो 12.5%। ये सारी स्टोरी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया, 2-3 बातें हैं बस आखिरी, और चैप्टर क्लोज करूंगा। गेन ऑन डिस्पोजल, सजी इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, इनके डिस्पोजल पर जो गेन आएगा ये सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है और ये एनटीआर नहीं होता। होल्डिंग पीरियड जिस दिन से खरीदा और जिस दिन को बेचा है, ये वाला पीरियड होल्डिंग पीरियड होता है। सजी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पर आप गेन लॉस कैलकुलेट करते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना। अगर सिक्योरिटीज डिफरेंट डेट्स में परचेज की हो, यानी फाइफो मेथड, आम तौर पे फाइफो मेथड इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, एक सिक्योरिटी 1000 शेयर खरीदा है 1/1/2023 को, 1000 शेयर खरीदे हैं 2/1/2023 को, जो है फिर 500 शेयर खरीदे हैं और फिर बेच दिए बाद में। तो भैया अगर बेचा और खरीदा डिफरेंट डेट पे है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? फाइफो। लेकिन अगर सेम डेट पर बेचा और खरीदा तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? एफको। सर समझ आ रही है? अगर सेम डेट सेल और परचेज है तो एफको मेथड इस्तेमाल होगा, अगर सेल और परचेज डिफरेंट डेट्स में किए तो फाइफो मेथड इस्तेमाल होगा। सर जी पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब 2 बातें रह गई हैं बड़ी अहम, पहले मैं ये पढ़ा देता हूं। सर जी स्टोरी ये है, डीम्ड इनकम, मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खास तौर पे इस अटेम्प्ट के लिए आपके पेपर के हवाले से। डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम क्या होती है? वो इनकम जिसको समझा जाता है कि वो इनकम है, सच्ची मुची की इनकम नहीं, समझा जाएगा इनकम, तसव्वुर किया जाएगा इनकम। अब देखिए, रेजिडेंट पर्सन जिसके पास कैप, अभी तक मैंने आपको कैपिटल कैपिटल गेन पता क्या पढ़ाया था, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। इधर आके गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सर कैपिटल एसेट बेचा नहीं है, कैपिटल एसेट की वैल्यू बड़ी है, समझा जाएगा अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू बड़ी है तो समझा जाएगा कि उसकी कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के 20%, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर आपने उससे इनकम कमाई है और उसका 20% उस पर टैक्स लगेगा। यानी अगर आपने एक प्लॉट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? नहीं सर ये 10 मिलियन था ना, 10 मिलियन का खरीदा, 20 मिलियन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई, समझा जाएगा इसका 5%, समझा जाएगा इसका 5% आपने क्या किया है, आपने इनकम जनरेट हुई है, इसको कहते हैं डीम्ड इनकम। और इस डीम्ड इनकम का 20% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। कितना? 2 लाख। यानी ये आपको एफबीआर को जमा कराना पड़ेगा, ऐसे कह लो या सीधी बात कर लो, इसका 1%, 2 करोड़ का 1% कितना बनता है? 2 लाख। ये किसको जमा कराना पड़ेगा? इफेक्टिव फेयर मार्केट वैल्यू का 1% या 5% डीम्ड इनकम है उसका 20% टैक्स है, यानी वो भी इफेक्टिवली 1% ही बनता है। ये किसके लिए है? जो बंदा रेजिडेंट हो, उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टैक्स ईयर 2022 से ऑनवर्ड्स हो, तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। किस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा? यानी सब पे 10% है, फिर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लगेगा। किस पर नहीं लगेगा? जिसकी एक ही प्रॉपर्टी है उस पर नहीं लगेगा। दूसरा, जिसकी जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है उस पर नहीं लेगा। तीसरा, जो एग्रीकल्चर इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए नहीं लेगा, सिवाय फार्म हाउस के,
जिसका फार्म हाउस है उस पर लगेगा, और फार्म हाउस से मुराद है जिसका मिनिमम एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड है और कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट है और ड्वेलिंग यूनिट है यानी लिविंग यूनिट है, रहने की जगह भी है, उस पर लगेगा। उसने कहा एग्रीकल्चर लैंड पर यह वाला टैक्स नहीं लगेगा, फार्म हाउस पे ये वाला टैक्स लगेगा, और फार्म हाउस से मुराद है 2000 स्क्वायर यार्ड की जगह और 5000 स्क्वायर फीट की रहने की प्लेस हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो शहीद को दी गई है या जो मर गया हाजिर सर्विस उसको, या जो जख्मी हो गया जंग के दौरान, या जो रिटायर्ड है या हाजिर सर्विस है सरकारी मुलाजम या आर्मी का बंदा, इन पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी फेयर मार्केट वैल्यू का 1% के हिसाब से इन लोगों पे टैक्स नहीं लगेगा। सर जी अगर आप उस प्रॉपर्टी से पहले ही इनकम कमा रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर्टी है वो आपने किराए पर दी हुई है, किराए पर आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने पहले साल ही वो प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने उसका भी होल्डिंग टैक्स पे किया है, तो इस पर आप पर वो वाला रूल, ये 1% वाला टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कुल प्रॉपर्टीज जो भी हैं उसकी मालियत 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इस पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। जो प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है उस पर तो रूल अप्लाई नहीं होगा, और जो डेवलपर्स हैं, लैंड डेवलपर्स हैं जिनका काम ही कारोबार ही यही है कि वो प्लॉट खरीदते हैं और बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, उन पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। इन सब पर यह वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन FBR को गुस्सा चढ़ता है उस बंदे पर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। अगर कोई बंदा फाइलर नहीं है यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वो वन इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसकी एक प्रॉपर्टी हो, तो भी उस पर टैक्स लगेगा। वो इस पर टैक्स देता हो तो भी उस पर टैक्स लगे, यानी बावजूद इसके वो एग्जेम्पशन में फॉल करता था, लेकिन चूंकि वो फाइलर नहीं था तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर किसी कोई प्रॉपर्टी पर टैक्स दे भी रहा है लेकिन वो फाइलर नहीं है, अब वो प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा है जिस पर टैक्स लगना है लेकिन वो फाइलर नहीं है, तो वो भी 1% ये वाला टैक्स देगा, उस पर भी लागू होगा। अगर उसने पहले साल खरीदी है और विद होल्डिंग टैक्स भी पे किया है, तो भी उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा और 1% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से कम भी है, तो भी उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा। सर वो बंदा जो फाइलर नहीं है, जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, ये चारों वो लोग हैं जिनके बारे में लॉ ने कहा है कि इनको फेयर मार्केट वैल्यू का 1% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर ये फाइलर ना हुए तो इन पर ये वाला रूल अप्लाई होगा, यानी इन्हें टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बंदा जो कि रिक्वायर्ड टू रिटर्न अ फाइल, उसके लिए जरूरत ही नहीं थी रिटर्न फाइल करने की, तो उसके लिए ये वाली बात नहीं है। सर ये वाली बात हो गई, और मैं आखिरी बात आपके साथ करने लगा, निचोड़ पूरा चैप्टर का 2 मिनट में आपके साथ डिस्कस करके ये चैप्टर खत्म करूंगा। सर जी जब भी कैपिटल गेन का कोई एडजस्टमेंट, कोई सवाल आए आपके जेहन में, ये नक्शा हो, आप कामयाब। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये देखें ये जिस एसेट की बात हो रही है कैपिटल एसेट है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद देखें डिस्पोजल है या नहीं। अगर डिस्पोजल नहीं है तो कहीं डीम्ड इनकम का सीन तो नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और अगर डिस्पोजल है तो देखिए क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या सिक्योरिटी है या क्या अदर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखिए गेन है या लॉस, अगर गेन है तो सेपरेट ब्लॉक आइटम टेबल आपके साथ डिस्कस कर दिया और रेट 12.5%, और अगर लॉस है याद रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्टेबल। सिक्योरिटी है तो इसका मतलब है यू फोन की सिम और डीवीडी है, ठीक है, इसमें देखेंगे गेन है या लॉस। सर गेन होगा तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, और अगर लॉस होगा तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होता है, और अगर ना एडजस्ट हो सके तो
तीन साल के लिए कैरी फॉरवर्ड सर, अगर अदर कैपिटल एसेट है तो भी देखेंगे गेन है लॉस है, गेन होगा तो टैक्सेबल एज एनटीआर, अगर लॉस होगा तो फर्दर देखेंगे आर्ट रिलेटेड है या अदर है, अगर आर्ट रिलेटेड होगा तो नॉन एडजस्टेबल और अगर अदर होगा तो एडजस्टेबल होता है, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होता है, ना एडजस्ट हो सके तो शेष, सब कुछ इसके अंदर आ गया सर समझ आ गई। एक सिर्फ आखिरी बात रह गई है, उसके अलावा मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं और वो बात रह गई है क्रॉस ट्रेड क्रॉस सेल टैक्स स्वैप सेल और क्रॉस वॉश सेल, सर समझ आ रही है, वॉश सेल क्रॉस ट्रेड टैक्स स्वैप सेल ये तीनों वो हैं जिनके हवाले से अगर लॉस आ जाए तो वो कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं होता। इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, हमारा टाइम पहले ही ऊपर चला गया, पूरा एक बज रहा है इस वक्त, इंशाल्लाह 1:15 पर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस शुरू करेंगे, चार्ज होके आइए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम आप लोगों को बता दूं आसान अल्फाज में कि आप लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। लो सर इस सेशन के लिए इतना ही था, कैसा रहा यार, समझ भी आ रहा है कि नहीं? थैंक यू जी, थैंक यू।